ड्रैगन फ्रूट हेल्थ बेनिफिट्स। ड्रैगन फ्रूट का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद ही इस फल को खाया हो। दरअसल ये फ्रूट काफी महंगा होता है और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है। हालांकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और भरपूर फाइबर पाया जाता है। सवाल नंबर एक, ड्रैगन फ्रूट कब खाना चाहिए? डायबिटीज, हार्ट और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में ये फल आपकी मदद करता है। ड्रैगन फ्रूट में लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन होता है, जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। खास बात यह है कि कोरोना काल में ड्रैगन फ्रूट आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसमें भरपूर आयरन होता है और पाचन भी ठीक रखता है। सवाल नंबर दो, ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फल का नाम ड्रैगन फ्रूट है। इसे पिताया या स्ट्रॉबेरी पियर के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर से काफी उबड़-खाबड़ सा दिखने वाला ये फल अंदर से काफी मुलायम और टेस्टी होता है। सवाल नंबर तीन, ड्रैगन फ्रूट कैसे खाते हैं? ड्रैगन फ्रूट कैसे खाएं इस बारे में बात की जाए तो इसके सेवन के कई तरीके हैं। इसे सीधे काट कर खाया जा सकता है, इसे ठंडा करके भी खाया जा सकता है, इसे फ्रूट चाट या सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल नंबर चार, ड्रैगन फ्रूट में कौन से विटामिन होते हैं? ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। ड्रैगन फ्रूट में पाया जाने वाले विटामिन डैमेज कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं और त्वचा को बढ़ती उम्र के असर से बचाते हैं। सवाल नंबर पाँच, ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे होती है? ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई का सबसे सामान्य तरीका है काट कर लगाना। गुणवत्तापूर्ण पौधे की छंटाई से ही ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करने चाहिए। तकरीबन 20 सेमी लंबे सैंपल को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इन पौधों को सूखे गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी बालू और गोबर के 1:1:2 के अनुपात में मिलाकर रोप देना चाहिए। सवाल नंबर छह, प्रेगनेंसी में ड्रैगन फ्रूट खाना सेफ है या नहीं? प्रेगनेंसी के दौरान ड्रैगन फ्रूट का सेवन करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड का सेवन कच्चे फल और सब्जियों के रूप में या जूस के रूप में करना गर्भवती महिला के लिए अच्छा माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। इससे प्रेग्नेंट महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। एक शोध से पता चलता है कि लाल ड्रैगन फ्रूट के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव से सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने से शिशु को होने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। सवाल नंबर सात, क्या ड्रैगन फ्रूट किडनी के मरीजों के लिए लाभदायक है? हाँ, लाल ड्रैगन फ्रूट का उपयोग किडनी रीनल फंक्शन को उच्च कार्बोहाइड्रेट्स और उच्च फैट वाली डाइट के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है। वहीं किडनी के मरीजों के बारे में बात करें तो इस अवस्था में ड्रैगन फ्रूट का प्रभाव किस तरह से किडनी पर पड़ता है, इस बारे में कहना मुश्किल है। सवाल नंबर आठ, ड्रैगन फ्रूट की तासीर कैसी होती है? ड्रैगन फ्रूट की तासीर ठंडी होती है। इस फल में भरपूर फाइबर होता है, जिससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ड्रैगन फ्रूट कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम काफी मात्रा में होता है, जिससे आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। ड्रैगन फ्रूट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से गठिया में भी आराम मिलता है। सवाल नंबर नौ, क्या ड्रैगन फ्रूट को खाली पेट खाया जा सकता है? खाली पेट ड्रैगन फ्रूट खाने के फायदे के बारे में कोई शोध उपलब्ध नहीं है। इस कारण ये कहना मुश्किल है कि ड्रैगन फ्रूट खाली पेट खाया जा सकता है या नहीं। सवाल नंबर 10, ड्रैगन फ्रूट के क्या क्या नुकसान है? हालांकि अभी तक ड्रैगन फ्रूट से संबंधित कोई खास नुकसान सामने नहीं आए हैं, फिर भी हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे चमत्कारी गुणों वाले ड्रैगन फ्रूट के साथ भी है। आई कुछ बिंदुओं के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट के नुकसान थोड़ा विस्तार से समझते हैं। फूल सतोक, हालांकि ड्रैगन फ्रूट को वजन घटाने में मददगार माना जाता है, जैसा आपको लेख में पहले बताया जा चुका है,
लेकिन इसमें अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है, इसलिए इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग आपके वजन घटाने के रास्ते में रुकावट बन सकता है। इस फल की बाहरी परत स्किन को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटनाशक पाए जाते हैं। ये कीटनाशक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें, ये कीटनाशक ड्रैगन फ्रूट को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डाले जाते हैं।